हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल हंग्री प्लेट जोन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा वेजिटेरियन लोगों की फेवरेट डिश। रेसिपी क्या है जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम किसी बर्तन में एक ग्लास पानी लेंगे, उस पानी को गर्म होने देंगे। पानी थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें ऐड करेंगे पनीर क्यूब्स। पनीर को हम छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं। पनीर के पीस आपके अकॉर्डिंग आप छोटे बड़े रख सकते हैं। पनीर को गर्म पानी में करीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ऐसे शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए एक पेस्ट, जिसमें हम लेंगे थोड़ा काजू, मगज और नारियल को छोटा छोटा पीस कर लेंगे और इसको अच्छे से साफ करके ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमारा फाइन पेस्ट रेडी हो गया है। रेसिपी बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। हम लेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई में ऐड करेंगे 3 से 4 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल गरम करें पहले। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर क्यूब्स। क्यूब्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने लिए हैं 250 ग्राम पनीर, आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। हम ये बना रहे हैं 3 से 4 लोगों के लिए। पनीर को ऐसे कंटिन्यूअसली फ्राई करते रहेंगे। देखिए कैसे गोल्डन ब्राउन कलर होने लगा है। लाइट गोल्डन कलर आने के बाद हम पनीर को एक बाउल में निकाल लें। उसी सेम कढ़ाई में हम ऐसे ऐड करेंगे 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच शुगर। शुगर थोड़ा सा लाल होने के बाद उसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1 तेज पत्ता। अब उसमें ऐड करेंगे 1 चॉप्ड किया हुआ टमाटो। टमाटो को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें ऐड करेंगे जो हम पेस्ट करके रखे थे, उसी पेस्ट को हम ऐड कर लेंगे और फ्राई करेंगे टमाटो के साथ। पेस्ट को हम अच्छे से 5 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे ताकि उसमें जो कच्चापन है वो चला जाए। अब इसमें ऐड करेंगे रेगुलर मसाले। पहले हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, उसके बाद ऐड करेंगे 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। सारे को मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे स्वाद अनुसार प्याज यानी स्वाद अनुसार नमक और फिर से पेस्ट के साथ सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। फिर से मसाले को 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच पनीर मसाला और उसके साथ मिक्स करते जाएंगे पेस्ट के साथ। देखिए, हमारा पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब ग्रीन मटर। आप फ्रोजन भी ऐड कर सकते हैं या फिर फ्रेश हो तो फ्रेश ऐड करें तो स्वाद अच्छा आएगा। मटर को भी मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब जाएगा मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द रेसिपी। फ्राइड पनीर को हम ऐड कर लेंगे और मसाले के साथ मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मसाले के साथ पनीर को भी मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ऐसे फूड रिलेटेड रील्स और पोस्ट के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो करें, आईडी स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
देखिए फ्राई करने के बाद अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ लीटर उबला हुआ मिल्क। मिल्क को आप कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन बॉईल करने के बाद टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, इसलिए हम बॉईल करके डाले हैं। और अब मिल्क के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉईल होने तक वेट करेंगे। देखिए इसमें भी 5 मिनट के बाद बॉईल आ चुका है, यानी हमारा डिश परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ट्विस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून चिली सॉस, टमाटो सॉस भी हाफ टी स्पून या फिर 1 टीस्पून के करीब ऐडेंगे। लास्ट में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। सारे सॉस और धनिया पत्ता को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ये रेसिपी रेडी हो गया है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा? अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम करेंगे प्लेटिंग। आप लोग भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और बना के सबको टेस्ट करवाएं। टेस्ट करने के बाद कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी का टेस्ट कैसा लगा। आप लोग ये डिश को रोटी और नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली हमारा रेस्टोरेंट जैसा मटर पनीर रेसिपी रेडी हो गया है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।